या साई, सच में क्या दर्द बुरा है? हम सब दर्द में, तकलीफ में बाबा के आगे रोते हैं, डर जाते हैं, संभाल नहीं पाते, क्योंकि दर्द में, तकलीफ में हम डर जाते हैं। कभी अपनों के लिए, कभी अपने लिए घबरा जाते हैं, कैसे संभालेंगे, क्या करेंगे। मगर क्या दर्द सच में बुरा है? क्या दर्द जरूरी नहीं हमारे लिए? जरूरी नहीं कि हमारे पुराने कर्मों को साफ करने के लिए क्या दर्द जरूरी नहीं? हमारी जो ये जन्म हमने लिया है, उसमें जो हम सीखने आए हैं, उस सीख को पूरा करने के लिए क्या दर्द जरूरी नहीं? हमारी आत्मा, जिसे इस जीवन के अंत में परमात्मा में, अपने प्रभु, अपने बाबा में लीन होना है, क्या दर्द उसके लिए जरूरी नहीं? क्या इन सब चीजों के लिए दर्द आवश्यक नहीं? ताकि दर्द आए तो हम ये सब चीजें पार करके अपने बाबा की ओर बढ़ सकें। मुश्किल लगता है ना, सुनने में आसान, करने में बहुत मुश्किल। एक कहानी सुनिए फिर, आपने शायद सुनी भी हो। बहुत पहले जब मैं बहुत छोटी थी, तब मैंने ये कथा सुनी थी। ये कहानी है एक राजा और उनकी तीन बेटियों की। राजा जी को अपनी बेटियों से बहुत प्यार था, बड़ी बेटी उनको ज्यादा प्यारी थी। ये बात ये किसी से कहते नहीं थे, दिखाते नहीं थे, पर बड़ी बेटी से उनकी बहुत लाड़ था। पर जो सबसे छोटी थी, वो अपने पिताजी से बहुत प्रेम करती थी। सबसे ज्यादा उनकी चिंता करना, उनका ध्यान रखना, उनके हर पल आसपास रहना वो छोटी बेटी किया करती थी। अब एक दिन राजा जी के ध्यान में क्या आया, भगवान जाने। उन्होंने कहा, मुझे देखना है कि मेरी कौन सी बेटी मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करती है, मैं इनकी परीक्षा लूंगा। उन्होंने सबसे बड़ी बेटी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, बेटा मैं आपको कितना अच्छा लगता हूँ? तो वो मुस्कुराई और बोली, पापा, पिताजी, वो जो हमारे पंडित जी है ना, अब पंडित जी जो थे वो उनके बावर्ची थे, जो मुख्य बावर्ची थे वहां के, जो सारे राज्य में सबसे स्वादिष्ट भोजन बनाते थे, उनको सब पंडित जी के नाम से कहते थे। तो बिटिया बोली, पिताजी, पंडित जी जो वो शाही मिठाई बनाते हैं, शाही बर्फी, मुझे तो बिल्कुल आप वैसे लगते हैं। पिताजी तो अति प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो शाही बर्फी उनके पूरे राज्य की सबसे जो स्वादिष्ट मिठाई है उनमें एक मानी जाती थी। और उन्हें लगा कि जितना सब मतलब प्रेम इसको उस मिठाई से है, उतना मुझसे है। बहुत खुश हो गए। भाई, बिटिया ने उनकी तुलना भी करी तो किससे करी, शाही बर्फी से। खुश होके बिटिया को भेज दिया, दूसरी बेटी को बुलाया, मंजली बेटी को। उससे पूछा, बिटिया आप मुझे कितना प्रेम करती हैं? बिटिया मुस्कुराई और बोली, पिताजी वो मुझे ना आप जैसे रसमलाई अच्छी लगती है ना, उतने ही अच्छे लगते हैं। अब बिटिया को रसमलाई थी बहुत पसंद और पिताजी को भी रसमलाई थी बहुत पसंद। पिताजी अति प्रसन्न हो गए, रसमलाई जैसे उसको भी बहुत प्यार किया, भेज दिया। अब आई सबसे छोटे वाले की बारी, उसको बुलाया। अब पिताजी ने बोला, बिटिया ये बताओ आप मुझे कितना प्रेम करती हो, किस चीज से तुलना कर सकती हो? तो बिटिया ने सोचा और बोला, पिताजी आप मुझे नमक जितने अच्छे लगते हैं। पिताजी बहुत क्रोधित हो गए कि मेरी तुलना तो मैं नमक से करी, जो सबसे सस्ता पदार्थ है खाने में, उससे अपने पिता की तुलना करी। उनका दिल टूट जाता है। वो कहते हैं, इसको मेरी नजरों से दूर कर दो और बंद कर दो, मुझे इसे देखना ही नहीं है, ऐसी बेटी को जिसने मेरी नमक से तुलना कर दी। भाई, वहां राजा का जो महल होता है, उसका एक जो कक्ष होता है, उसमें उस बच्ची को डाल दिया जाता है और सिर्फ उसको खाना पहुंचाया जाता है। उसे बाहर आने की अनुमति नहीं, कुछ भी करने की अनुमति नहीं होती, राजा उसे बंद कर देते हैं। कुछ दिन, महीने निकलते हैं, बच्ची अंदर ही अंदर बंद अकेली। उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि वो तो पिताजी से बहुत प्रेम करती थी। अब जो पंडित जी थे वो उससे बहुत प्रेम करते थे, जो बावर्ची थे, वो खाना खुद उसके लिए बना के रोज उसको परोस कर आया करते थे, और किसी को वहां जाना मना था। पंडित जी भी किसी को भी भेज सकते थे, पर वो प्यार से खुद जाया करते थे। एक रोज जब पंडित जी गए, तो बिटिया उन्हें बोली कि आप मेरे लिए कुछ करोगे पंडित जी? पंडित जी ने बोला, बिटिया मैं तो कुछ भी करूंगा, आपकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती, आप बोलो क्या करना है। बिटिया उनको कुछ कहती है और पंडित जी हाँ करके चले जाते हैं। अगले दिन राज दावत होती है, बहुत बड़ी दावत राजा दे रहे होते हैं। एक से एक अच्छे से अच्छे भोज उस दावत के लिए पंडित जी तैयार कर रहे होते हैं।
जब पूरा खाना लग जाता है, राजा आते हैं और परोसते हैं और खाना शुरू करते हैं। पहली चीज मुंह में डालते हैं सब्जी, उसमें नमक नहीं होता। छी छी छी, ये क्या है? दूसरी चीज मुंह में डालते हैं, उसमें नमक नहीं होता। तीसरी खाते हैं, उसमें नमक नहीं होता। और मिठाई दुनिया भर की होती है। अब वो बार बार कहेंगे, क्या किया ये, क्या किया? लास्ट में वो बहुत क्रोधित होते हैं, आखिर में जाके उठा के अपनी प्लेट नीचे फेंक देते हैं और कहते हैं, ये मेहमानों के साथ किसने ये गलत काम किया, ये मेरे मेहमानों की बेइज्जती है, बिना नमक के खाना कैसे बना दिया। तो पंडित जी को बुलवाया जाता है, तो पंडित जी आके कहते हैं, पर महाराज इतना मीठा भी तो मैंने बनाया है, वो खिला दीजिए। तो राजा कहते हैं, अरे खाने के बिना मीठे का क्या फायदा, मीठे का कोई महत्व ही नहीं है, पहले कुछ नमकीन खिलाया जाए, ऊपर से मीठा खाया जाता है। तो पंडित जी कहते हैं, पर आप तो कहते हैं कि राजा जी माफ करना, छोटा मुंह बड़ी बात, पर आप ही ने कहा था बिटिया को कि नमक जो है वो सबसे सस्ता और बेकार चीज है जिससे आपकी तुलना की गई है, तो मैंने सोचा कि ऐसी सस्ती चीज मैं अपने राजा जी को कैसे खिला सकता हूं, आप तो महाराज हैं हमारे, इसलिए मैंने वो सस्ती चीज खाने में से ही हटा दी। जैसे पंडित जी ये कहते हैं, राजा जी को तो लगता है झटका कि खाने में तो स्वाद नहीं है क्योंकि नमक नहीं है, मीठे की भी कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि नमक नहीं है। तब वो अपनी गलती का एहसास करते हैं और जल्दी जल्दी बिटिया को बुलाते हैं, बहुत प्यार करते हैं और बहुत रोते हैं और उसे माफी मांगते हैं सबके सामने कि बेटा राजा मैं हूं, पर सीखा मैंने आज आपसे है कि नमक के बिना जीवन फीका है, आपकी बात मैं तब समझ नहीं पाया, नमक तो बहुत जरूरी है हमारे लिए, मीठे से भी ज्यादा, क्योंकि अगर नमक ना हो तो मीठे का भी क्या फायदा। अब आप मेरी बात समझे, अगर दर्द ना हो तो खुशी का क्या फायदा? खुशी का एहसास ही हमें इसलिए होता है क्योंकि हम दर्द से गुजर के उस खुशी तक आते हैं। जब हम दर्द सह कर उस नमक को खाकर वहां तक पहुंचते हैं, तभी तो मिठास मीठी लगती है खुशी की। अगर हमारी जिंदगी में नमक ना हो तो जिंदगी फीकी हो जाएगी। वैसे ही अगर किसी की जिंदगी में दर्द ही नहीं है, तो जो हमने कर्म किए हैं उनको हमें जो काटना है, जो उनकी सफाई करनी है, वो कैसे होगी? जो मेरी आत्मा सीखने के लिए चीजें आई है, वो लेसन्स, वो सीख उसे कैसे मिलेगी अगर दर्द नहीं होगा? जब दर्द आती है, तकलीफ आती है, तभी तो हम सीखते हैं, तभी हम बाबा से जुड़ते हैं, सच्चरित्र पढ़ते हैं, साई नाम का जाप करते हैं, उनके आगे घंटों घंटों बैठे रहते हैं, प्रेम करते हैं, इस कदर बाबा से जुड़ जाते हैं, इस कदर जैसे पहले कभी नहीं जुड़े। तो फिर दर्द तो अच्छा हुआ ना, दर्द आने से हम बाबा के भी करीब जाते हैं, अंदर से इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि उसके बाद एक बार हम दर्द से गुजर जाए ना, उसके बाद कोई चीज हमें परेशान नहीं करती। अगर मैं अपनी बात करूं, आज से बहुत साल पहले मैं डर से दर्द आता था तो डर जाती थी, अब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पता है कि आया है तो इन्होंने भेजा है, और अगर इन्होंने भेजा है तो उसके पीछे कोई अच्छी वजह ही है, और अच्छी वजह है तो फिर घबराना कैसा, डरना कैसा, विश्वास करना होता है। इसलिए आगे से जब दर्द आए जिंदगी में और डर लगे, तो डर को डालना बाबा जी के चरणों में, ठीक है, और दर्द को बोलना कि नमक जरूरी है, इसलिए आ जाओ, कोई बात नहीं, साईं मेरे साथ हैं, मैं इस नमक को भी सह के मिठास तक पहुंच जाऊंगा। नमक को एंजॉय करके खाओ, तकलीफ में मत खाओ। जब खाना खाते हैं तो नमक खाते हैं ना, वैसे ही दर्द जब आता है खा लिया करो। कभी कभी तेज हो जाता है, खाना कड़वा हो जाता है, वैसे ही दर्द कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कोई बात नहीं, बाबा हैं तो वो भी निकल जाएंगे। विश्वास रखो और बाबा के साथ जुड़ते जाओ, एंड डोंट बी स्केयर्ड ऑफ पेन। ये बात मैं बार बार कहती हूँ, हमारी सृष्टि, हमारी धरती माँ इस समय इतने डिफिकल्ट, इतने मुश्किल वक्त से गुजर रही है, अगर इस वक्त में हम डर गए, अगर इस वक्त में हम दर्द से डर गए, तो हमारे साथ बुरा ही बुरा होगा, क्योंकि दर्द अच्छा नहीं है। मैंने हमेशा आपको कहा है, फियर की वाइब्रेशन बहुत बुरी है, जो डर की एनर्जी है ये पढ़ी गई है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट, कि जो फियर की एनर्जी है उसकी वाइब्रेशन बहुत लो है। अगर आप डर जाते हैं तो आपकी एनर्जी जो है, आपका जो ऑरा है, वो फियर में चला जाता है, लो वाइब्रेशन का हो जाता है। अब रहा कोविड, वो भी लो वाइब्रेशन का है, हर बीमारी, हर दर्द, हर तकलीफ लो वाइब्रेशन की है। अगर आप लो वाइब्रेशन है और वो भी लो वाइब्रेशन है, वो फटाफट आपके पास आएगा, क्योंकि जैसे रेडियो को ट्यून करते हैं एक वाइब्रेशन पे,
जहां पे उसको सिग्नल मिलता है वो वहां रुक जाता है, तो वैसे ही वो सब आके भी यहां रुक जाएगा क्योंकि उनका सिग्नल तो आपकी वाइब्रेशन से मैच हो जाएगा ना। इसीलिए कह रही हूं, डर को दूर कर दीजिए, बाबा के चरणों में रख दीजिए और अंदर से अपने आप को स्ट्रांग कर लीजिए। और ये समझो कि अगर दर्द भी आया, तकलीफ भी आई, कोई बात नहीं, मेरे साईं तो है ना मेरे साथ। उसके बाद किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाइब्रेशंस हाई रहेंगी, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई लो वाइब्रेशन, बीमारी, तकलीफ, दर्द, कोविड, कुछ अंदर आ ही नहीं पाएगा क्योंकि आपका ऑरा, आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग होगी कि अंदर कुछ आ ही नहीं पाएगा। सो बी हैप्पी, बी स्ट्रांग एंड प्लीज डोंट बी स्केयर और फियरफुल ऑफ एनीथिंग। जब बाबा है तो डरना कैसा, बाबा ने कहा है ना, आई फियर व्हेन आई एम हियर, ही इज देयर, सो नो फियर एट ऑल। लॉट्स ऑफ लव टू यू, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, बहुत 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 सारा प्यार। आप सब मेरी प्रार्थनाओं में रोज रहते हैं, रोज वादा से बाबा से सबके लिए प्रे करती हूँ कि सब खुश रहें, बाबा सबको इस दर्द के वक्त में संभाल के रखें, बचा के रखें, अपनी बाहों में सब तकलीफों से छुपा के रखें। या साईं।